तो दोस्तों भारत के लिए पॉलिटिकल चैलेंज क्या है और ये एक अलर्ट वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको अलर्ट करने वाला हूँ कि आपको किन किन मुद्दों पर अलर्ट रहना चाहिए और अमेरिका किस तरीके से भारत के अंदर साजिश रच रहा है कि भारत के अंदर एक कमजोर सरकार बने। दोस्तों हमने देखा है कि हम सभी जानते हैं CIA दुनिया की सबसे अमीर खुफिया एजेंसी है और जो दुनिया के तमाम देशों की राजनीति में दखल करने के लिए बदनाम भी है। दोस्तों भारत के अंदर भी CIA किस तरीके से या अमेरिका किस तरीके से साजिश रच रहा है नरेंद्र मोदी के खिलाफ, या हम कहते हैं भारत के अंदर एक कमजोर सरकार चाहता है, इसे कुछ एविडेंस भी मैं आपको दूंगा। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी जब अमेरिका के चुनाव हुए थे तो वहां पर हमने देखा था कि रूस के कुछ हैकर्स ने हिलेरी क्लिंटन के ईमेल्स, प्राइवेट ईमेल्स लीक कर दिए थे, जिससे हिलेरी क्लिंटन को बहुत नुकसान हुआ था। तो हम जानते हैं कि दुनिया के तमाम देश हैं जो दूसरे देश पर राजनीतिक दखल देना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनके हिसाब से सरकार बने उस देश में। उसी तरीके से अमेरिका भी चाहता है कि भारत के अंदर एक कमजोर सरकार बने जिससे अमेरिका की बैठ भारत के अंदर बन सके। हमने देखा है कि अमेरिका के अंदर जब चुनाव हुए थे तो वहां पर एक नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया था जिसमें हिलेरी क्लिंटन का इनडायरेक्टली तरीके से, ऑफिशियली तो नहीं कह सकते लेकिन इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं, वहां पर हिलेरी क्लिंटन का सपोर्ट किया जा रहा था। दोस्तों इसके बाद हमने देखा चुनाव हुआ और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनती है और डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनने के बाद लगभग 2 साल तक भारत के अंदर सब कुछ ठीक रहता है। इसके बाद फिर किस तरीके से हमने देखा कि भारत और अमेरिका के बीच एक ट्रैफिक वार या टैक्स वार शुरू होता है, जिस पर जो बहुत ही लाइटली लोगों ने हमारे देश की मीडिया ने लिया, जहां पर हमने देखा कि अमेरिका ने भारत की तमाम कंपनियों पर टैक्स लगाने की कोशिश की, उसके बाद भारत ने भी उसका जवाब दिया, तो इससे धीमे धीमे चीजें बिगड़ने लगी। इसके बाद आता है रुपए डेबिट कार्ड का प्रमोशन। दोस्तों रुपए डेबिट कार्ड का प्रमोशन ऐसे हुआ कि मास्टर कार्ड ने अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप से शिकायत की नरेंद्र मोदी की कि नरेंद्र मोदी रुपए डेबिट कार्ड, जो भारत का अपना डेबिट कार्ड है, स्वदेशी डेबिट कार्ड है, रुपए डेबिट कार्ड, उसको प्रमोट कर रहे हैं, देशभक्त और राष्ट्रवाद के नाम पर नरेंद्र मोदी प्रमोट कर रहे हैं। दोस्तों इसकी शिकायत मास्टर कार्ड, जो अमेरिकी एटीएम कार्ड है या अमेरिकी कंपनी है जो एटीएम कार्ड बनाती है, इसने डोनाल्ड ट्रंप से शिकायत की, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इसको संज्ञान में लिया होगा। दोस्तों तो यहां से चीजें कहीं ना कहीं गड़बड़ होना शुरू हुई और ये बात डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। इसके बाद हमने देखा कि भारत ने S-400 पर समझौता भी किया रूस के साथ, जो अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत रूस के साथ कोई भी समझौता करे, लेकिन भारत ने बहुत ही वाइजली, बहुत ही बुद्धिमत्ता भरा फैसला लिया और बहुत ही अच्छे तरीके से S-400 का सुरक्षा समझौता रूस के साथ किया, जो अमेरिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। और उन्होंने तमाम तरीके की धमकी भी दी डाली थी कि सैंक्शंस नाम के एक्ट भी भारत पर लग सकते हैं, जिस पर भारत ने वेवर मांगा अमेरिका से। तो हमने देखा कि किस तरीके से अमेरिका की धमकी को झेलने के बाद भी भारत ने तमाम तरीके के कठिन और कठोर फैसले लिए हैं। इसके बाद आपने देखा होगा किस तरीके से पिछले कुछ दिनों पहले की बात ही है, अभी नई नई एक न्यूज है, जहां पर अफगानिस्तान के अंदर भारत एक लाइब्रेरी बनाने के पर काम कर रहा है, वहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाया है। और ये बात एक भारतीय होने के नाते आपको इसका विरोध करना ही चाहिए और हर भारतीय ने इसका विरोध किया है, यहां तक कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरजेवाला ने भी इसका विरोध किया है और उन्होंने कहा था कि हम नरेंद्र मोदी के साथ हैं, हम देश के प्रधानमंत्री के साथ हैं और डोनाल्ड ट्रंप को ये नहीं बताना चाहिए कि भारत अफगानिस्तान से कैसे रिश्ते रखेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने मजाक उड़ाया था नरेंद्र मोदी का। तो दोस्तों अभी आप समझ सकते हैं कि भारत अफगानिस्तान से कैसे रिश्ते रखता है और कैसे नहीं रखता है, इस पर डोनाल्ड ट्रंप को मजाक उड़ाने की क्या जरूरत है। तो जाहिर सी बात है कि भारत के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका की एक नई साजिश का एक रूप है। दोस्तों एक बात समझने की आवश्यकता है कि डोनाल्ड ट्रंप क्यों मजाक उड़ाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जबकि हमारे देश में नरेंद्र मोदी 2 बार अमेरिका भी गए और इतना अच्छे तरीके से उन्होंने मिलने की कोशिश भी की। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि भारत के अंदर एक कमजोर सरकार बने जो गलत फैसले ले, जो कठिन फैसले ले ना पाए, और ऐसा तभी होगा जब नरेंद्र मोदी की सरकार हटेगी और गठबंधन की सरकार आएगी, तो वहां पर चीजें, चूंकि सरकार कमजोर होगी तो वो कोई फैसले ले नहीं पाएगी और वहां पर अमेरिका भारत के अंदर और भी ज्यादा दखलअंदाजी कर पाएगा। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि भारत ने एक नॉन ऑफिशियल इन्विटेशन भेजा है। जब एक देश दूसरे देश के इन्विटेशन भेजता है तो सबसे पहले एक फॉर्मल इन्विटेशन भेजा जाता है जो अनऑफिशियल होता है, वहां पर एक इन्विटेशन भेजा जाएगा और पता किया जाएगा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप या दुनिया के जिस भी देश में भेजा जाएगा कि क्या वो खाली है या नहीं है। जब पता चलता है कि सामने वाला मेंबर या राष्ट्रपति या जो भी है वो खाली है तो ऑफिशियल एक इन्विटेशन भेजा जाता है। लेकिन भारत ने एक अनऑफिशियल इन्विटेशन भेजा था डोनाल्ड ट्रंप को कि डोनाल्ड ट्रंप भारत में गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बने 2019 में। लेकिन दोस्तों अनऑफिशियल इन्विटेशन होने के बाद भी व्हाइट हाउस ने खुलकर सामने आया और उन्होंने मीडिया में कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के पास वक्त नहीं है भारत में जाने के लिए और वहां पर 26 जनवरी को सेलिब्रेट करने के लिए। तो दोस्तों यहां पर आप समझ सकते हैं कि अनऑफिशियल इन्विटेशन होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप या व्हाइट हाउस के मेंबर सामने आकर ऐसा क्यों कर रहे हैं। जाहिर सी बात है
भारत की छवि को नीचे करने के लिए या नरेंद्र मोदी की छवि को नीचे करने के लिए, और इससे भारत की छवि कुछ हद तक कम हुई भी है। भारत की छवि को कहीं ना कहीं धक्का लगा है और डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा नरेंद्र मोदी की छवि को क्षति पहुंचाने की कोशिश की है यहाँ पर। तो सीधा सा मतलब है कि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि भारत के अंदर एक कमजोर शासक बने और कमजोर प्रधानमंत्री बने जो मुश्किल फैसले ले ना पाए, और वहां पर जाहिर सी बात है अमेरिका भारत के अंदर दखलंदाजी बढ़ेगी। दोस्तों हमने तीन बातें जानी, पहली चीज थी कि रुपए डेबिट कार्ड पर नरेंद्र मोदी की शिकायत, दूसरी थी S-400 पर समझौता किया अमेरिका के खिलाफ जाकर, अमेरिका की बात न मानकर भी भारत ने S-400 पर समझौता किया, तीसरी बात थी अफगानिस्तान पर लाइब्रेरी बना रहा है और भारत के संबंध अगर अफगानिस्तान से अच्छे होंगे तो कहीं ना कहीं अमेरिका को इससे प्रॉब्लम हो सकती है मे भी, या पता नहीं उन्होंने क्यों मजाक उड़ाया, ये डोनाल्ड ट्रंप ही जाने, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री का मजाक उन्होंने उड़ाया था। चौथी चीज ये थी कि फिर इसके बाद उन्होंने इन्विटेशन पर वो भारत आए नहीं, तो ये भी एक बड़ा रीजन हो सकता है। पांचवी चीज जो अभी आज दो दिन या तीन दिन पहले की घटना के बारे में बता रहा हूँ कि CIA ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और एक बयान दिया कि भारत के अंदर 2019 में जो चुनाव होंगे वहां पर सांप्रदायिक दंगे हो सकते हैं और ये काम बीजेपी करवा सकती है, ऐसा CIA ने कहा। दोस्तों यहाँ पर आप डायरेक्टली समझ सकते हैं कि CIA को इतनी चिंता भारत की कब से होने लगी है, जबकि भारत के अंदर खुद ही इंटरनल सिक्योरिटी के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो है और CBI का गठन भारत के अंदर खुद ही दो खुफिया एजेंसियां हैं, तो खुद ही हमारे देश की खुफिया एजेंसी ही इस चीज को अलर्ट करेंगी। लेकिन CIA इस बात को क्यों कह रहा है, जाहिर सी बात है CIA नहीं चाहता कि भारत के अंदर एक मजबूत व्यक्ति का शासन हो, ये बात फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, और इतनी बार तो राहुल गांधी ने संसद में आंख भी नहीं मारी होगी जितनी बार मैंने ये आपको बता दिया कि भाई भारत के अंदर एक मजबूत सरकार ही चाहिए। दोस्तों इसके बाद आती है आज की घटना, आज अमेरिका के अंदर भारत के लगभग 150 से ज्यादा स्टूडेंट को गिरफ्तार किया गया है, वहां पर एक फर्जी यूनिवर्सिटी खोली गई थी और वहां पर कुछ भारतीयों ने एडमिशन ले लिया होगा या उस जाल में फंस गए होंगे भारतीय स्टूडेंट और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो कहीं ना कहीं ये भी एक प्रेशर है भारत के प्रधानमंत्री पर, भारत के ऊपर कहीं ना कहीं इसका एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा नरेंद्र मोदी की छवि पर, जो अमेरिका चाहता है अपने एक जो उद्देश्य है अमेरिका का उस पर वो किस तरीके से खरा उतर रहा है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि पहले वो डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाते हैं, उसके बाद वो आते नहीं है भारत के रिपब्लिक डे पर आते नहीं है और वहां पर उसको ऑफिसियली आकर इस चीज को कहते हैं कि भाई हम भारत नहीं जा सकते। इसके बाद CIA सामने आती है और वो बोलती है भारत के अंदर सांप्रदायिक दंगे होंगे, तो आप यहां पर समझ सकते हैं। इसके बाद भारत के स्टूडेंट को गिरफ्तार किया जाता है अमेरिका के अंदर, तो ये जो चीजें एक के बाद एक भारत के खिलाफ अमेरिका के द्वारा की जा रही है, तो कहीं ना कहीं हमें मुझे शक है और आपको भी इस पर होना चाहिए कि भारत के अंदर दखल दे रहा है अमेरिका और CIA दखल दे रही है और वो चाहती है कि भारत के अंदर उनके मन मुताबिक सरकार बने। दोस्तों हम सभी जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा ट्रबल मेकर कंट्री अमेरिका है और दुनिया के अंदर थ्रेट पैदा करना ये अमेरिका की पुरानी नींद रही है, दुनिया के अंदर पहले डर पैदा करो, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अमेरिका ही पैदा करता है और वही फिर वहां पर जाकर सॉल्व करता है और अपने आप को अपने लेवल को हाई करने दिखाने की कोशिश करता है। आज के समय की अगर हम बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप को कोई भी एक्सपर्ट आदमी या कोई भी पॉलिटिकल आदमी डोनाल्ड ट्रंप को अपना नेता नहीं मानता। जो इंसान एक ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को हल्के में ले सकता है और उसको लगता है कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, ऐसे व्यक्ति को दुनिया का कोई भी बुद्धिजीवी व्यक्ति अपना नेता नहीं मानता है। ऐसे समय में अमेरिका चाहता है कि भारत के अंदर उसकी पैठ बनी रहे, इसके लिए जाहिर सी बात है भारत के अंदर सत्ता परिवर्तन जरूरी है, ऐसा अमेरिका चाहता होगा। ये मेरी अपनी जो एक अलर्टनेस है आपके लिए जो मैं बताना चाहता हूँ कि आपको इस पर अलर्ट रहना ही चाहिए। इसके बाद भी दोस्तों हमने देखा है कि किस तरीके से अमेरिका और चाइना की जो ट्रेड वार चल रही है उसके बाद भी भारत एक अच्छी ग्रोथ कर रहा है, बहुत अच्छी तो नहीं कर सकते लेकिन अच्छी ग्रोथ कर रहा है। दुनिया के अंदर एक क्राइसिस चल रहा है, इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रहा है और एक कोल्ड वार की तरफ जो दुनिया बढ़ रही है उसमें भारत एक अच्छी ग्रोथ कर रहा है और इसको रोकने के लिए अमेरिका कुछ न कुछ तो साजिश रचेगा ही, और ऐसे मुश्किल दौर में भारत के लिए एक अच्छे एक मजबूत लीडर की आवश्यकता होती भी है। दोस्तों हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने भी इस बात को आगाह किया कि भारत के अंदर भी 10 साल तक लगभग 10 साल के तक भारत में एक मजबूत शासन की आवश्यकता है, एक मजबूत लीडर की आवश्यकता है, और हमें नहीं लगता कि हमारे और आप जैसे व्यक्ति को नेशनल एडवाइजर की बातों को हल्के में लेना चाहिए। दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करें एक्सटर्नल सिक्योरिटी की बात अगर हम करें तो हमने देखा है कि किस तरीके से कुछ आर्टिकल में ये बात छपी है कि भाई कश्मीर के अंदर IS का कहीं ना कहीं कुछ ऐसे संकेत मिले हैं कि IS का एग्जिस्टेंस हो सकता है कश्मीर के अंदर, तो ये हमारे देश के लिए इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी एक बड़ा खतरा है और इसको कौन व्यक्ति निपट सकता है ये हमें समझना ही होगा। अगर हम एक्सटर्नल सिक्योरिटी की बात करें तो पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन काफी अच्छे चल रहे हैं और यहां पर अगर हम बात करें एक्सटर्नल सिक्योरिटी की तो जैसे मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा का प्रमोशन हो सकता है, कॉन्फिडेंस काफी हाई हो सकता है और पाकिस्तान भारत के अंदर टेरर अटैक को स्पॉन्सर कर सकता है, ये हमारे भारत के लिए एक एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है और इससे निपटने के लिए जाहिर सी बात है भारत के अंदर एक अच्छे लीडर की ही आवश्यकता होगी। और इसके बाद अगर हम बात करें USA
रसिया और भारत के ट्राइंगल रिलेशनशिप की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से अमेरिका भारत के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है, और इससे निकलने के लिए भी एक अच्छे व्यक्ति की भी, एक अच्छे लीडर की जरूरत होगी, और ये काम कौन कर सकता है इसका जवाब आप कमेंट करके देंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मुझे यही बताना था कि हमें एक भारतीय होने के नाते अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना चाहिए और हमें जागरूक होना चाहिए देश के अंदर क्या चल रहा है और दुनिया के अंदर क्या चल रहा है इसकी जानकारी हमें होनी ही चाहिए। और यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ अलर्ट किया है, बाकी फैसले आपको लेने हैं कि आपको क्या करना है। तो खैर आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और दोस्तों आप क्या सोचते हैं डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका और भारत के बारे में जो मैंने एक थ्योरी बताई है आपको, आप इस पर कितने परसेंट एग्री हैं इस बात को भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और देखें अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।